हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अंकुश हियर। सो दोस्तों, चलो हम ये वीडियो में ये देखते हैं कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम एनी फोटोग्राफ एंड आप उस ऑब्जेक्ट को एडिट करके आप उसको सिंपली एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे लेके आ सकते हो। तो आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर एक बार आपको आ गया तो आपको ना ही ऑनलाइन जाके कोई वेबसाइट्स में से यू नो रिमूव बैकग्राउंड करने की कोई अलग से जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट इसमें आप इतना प्रॉपरली कर पाओगे कि आप खुद बोलोगे कि यार ये इतना आसान था और हम इसके ऑनलाइन सॉल्यूशंस क्यों ढूंढ रहे थे। सो चलो हम सीधा चलते मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकाला जाता है बैकग्राउंड को और उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे। सो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और इस लैपटॉप में इंस्टॉल है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये जो मेरा फोटोग्राफ है इसमें ये देखिए, ये फोटोग्राफ हो गया है ओपन। अब ये जो मेरा फोटोग्राफ है, आप सपोज करो कि इसमें मुझे खुद को इस बैकग्राउंड से अलग करना है, तो मैं अगर मेरे पास एक विंडोज 10 का लैपटॉप है तो मैं ये बिना ऑनलाइन जाए भी इजीली कर सकता हूं बिना किसी न्यू सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करे, मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की इसमें जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम ये फटाक से आपको मैं करके बता देता हूं। अब देखो ये क्या करना है, ये इमेज पे आपको राइट क्लिक करना है, आपको एडिट विद पेंट 3D पे क्लिक करना है। द मोमेंट आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, अब ये जो इमेज है ये यहां पे हो जाएगी ओपन। द मोमेंट ये इमेज यहां पे ओपन हो जाती है, अब आपको मैजिक सिलेक्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो सारी जो बॉर्डर्स है इसको आपको एडजस्ट करनी है। इसकी आप हेल्प जो है ये राइट हैंड साइड में भी पढ़ सकते हो कि ड्रैग इन द कॉर्नर्स और साइड्स ऑफ द ब्लू बॉक्स टू शो अस व्हाट टू फोकस ऑन। तो बेसिकली मुझे खुद पे फोकस करवाना है इस इमेज में, इसलिए मैंने इसके बॉर्डर्स को कर दिया छोटा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। द मोमेंट आप नेक्स्ट पे देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो ऑटोमेटिकली ये पूरे बॉर्डर सिलेक्ट हो चुके हैं बिना किसी मेहनत के। अब मुझे सिर्फ करना है डन, और जैसे ही मैंने डन पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ये मेरी पूरी इमेज हो चुकी है बैकग्राउंड से अलग। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कंट्रोल सी ताकि ये जो फोकस किया हुआ ऑब्जेक्ट है जो मैं हूं खुद इस इमेज में, तो मुझे कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर दिया तो अब ये हो गया कॉपी। अब मैं करूंगा कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन से ये मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे लेके आएगा और मुझे पूछेगा कि ये वाले प्रोजेक्ट को मुझे सेव करना है क्या, तो मैं डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूं। डोंट वरी दोस्तों, जो हमने कॉपी की है वो इमेज एज इट इज रहेगी। अब यहां पे ये न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही वापस आ जाता है तो मुझे कैनवास पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपेरेंट कैनवास को ऑन कर देना है, फिर मुझे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्लिक करना है और मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। देखो ये जैसे ही मैंने कंट्रोल वी कर दिया तो ये जो मेरी इमेज है जिसको हमने अभी मैजिक सिलेक्ट से सिलेक्ट कर दिया था ये पूरा आ चुका है यहां पे। अब ये इतना होने के बाद अगर आपको यहां से इस कैनवास को रिसाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। ये अगर आप हैप्पी हो इस ये जो पूरा जो आपको जो रिजल्ट मिल चुका है इससे, तो आपको सिर्फ इसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल एस, फिर ये करेगा एक कॉपी को सेव। आप इमेज पे क्लिक कर लो एंड ये आप देख सकते हो ये इसका पूरा प्रीव्यू बन के आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे ये मेरी जो इमेज है ये पीछे से पूरा जो बैकग्राउंड है ये हो चुका है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मैं इसको करता हूं सेव। देखिए जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, चलो मैं इसको सेव कर देता हूं अंकु ट्रांसपेरेंट फोटो, ये हो गया है सेव। अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये बन जाता है PNG फाइल विच इज अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट फोटो। अब ये जो फोटो है इसको मैं चाहूं उस बैकग्राउंड पे मैं इसको मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं उस प्रोजेक्ट में मैं इसे यूज कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो यूट्यूब के थंबनेल पे या किसी और फोटोग्राफ्स पे हर चीज पे मैं इसका यूज कर सकता हूं। बस आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है कि इस वीडियो में ये जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताई है दिस इज ओनली फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट पर्पजेस। अगर आप इसका कहीं भी और यूज करते हो देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दिस इज जस्ट फॉर फन, दिस इज जस्ट फॉर टीचिंग यू कि किस तरीके से आप अपने इन फोटोज को आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप इसे आप अपने और कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाओ। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आइडिया? आई होप सो कि ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि ये कंप्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस है। आप इसको डे टू डे अगर प्रैक्टिस में लाते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप
इतने फास्ट हो जाओगे कि आप दो मिनट के आप उसको एक मिनट के अंदर भी आप पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके आप उस इमेज को रेडी कर पाओगे। तो दोस्तों ये है ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियोस लाते रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर मोर ऑफ दिस अमेजिंग वीडियोस। बाय दोस्तों।